कि ये ना कि इनके अमाल गारत हो जाएंगे, ये कामयाब नहीं होंगे, ये बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। अब जहन में ये आ सकता है ना कि मोमिनीन जो हैं वो मुतमइन हो जाएं कि जब खुदा ने कह दिया इनके मुतल्लिक इनके अमाल गारत हो जाएंगे, कुछ नहीं नतीजा खेज होंगे, तो फिर तो ठीक है। रावी ऐश लिखता है मज़े से बैठे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नफल पढ़ छोड़िए, तस्बीह फिर छोड़िए, वो सब कुछ होगा। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, तुम्हें ये करना है, याद रखो निज़ाम खुदावंदी की इताअत करनी है तुमने, उससे ये कुछ होगा जो कुछ पहले हमने कहा है। ये ना समझ लो कि ये कुछ भी इसके बाद आज खुद हो जाएगा या हम कर देंगे, ये नहीं। अताएत, मैं किसी दूसरे वक्त में ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान ने में जहाँ भी अल्लाह और रसूल के अल्फाज इकट्ठे आए हैं और उनकी अताएत का ज़िक्र है, वो दो अलग अलग अतायतें नहीं हैं, कि खुदा की अतायत और तरह से और रसूल की अतायत और तरह से। कुरान ने ये एक इस्तिलाह है अपनी इस्तेमाल की, वो निज़ाम जो खुदा का दिया हुआ है और रसूल के हाथों मुतशक्कल हुआ है, इसलिए अल्लाह और रसूल दो लफ्ज़ उसमें आते हैं। ये बात बहरहाल एक बड़ी जामिया सी है और बड़ी वजाहत चाहती है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा जहाँ ये चीज़ आएगी सामने कि इससे मकसद वो निज़ाम है कि जो अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, इस निज़ाम की अतायत अल्लाह और रसूल की अतायत कहलाती है। कहा इसकी अतायत करो इस निज़ाम की, ऐसा ना करोगे तो वला तुबतलू आमालकुम, फिर तुम्हारा किया कराया जो है वो भी गारत हो जाएगा। यानी उनका गारत हो रहा है कि वो मुनाफ़कत बरत रहे हैं, तुम्हारा गारत हो जाएगा अगर निज़ाम के ताबिया निज़ाम की अतायत करते हुए ये कुछ ना करोगे, और जब वो निज़ाम ही ख़त्म हो जाए तो और तलब बात है। वो सदर अव्वल के बाद आपके यहाँ वो निज़ाम ही नहीं रहा, उसने मशरूत किया है आपके अमाल को नतीजा खेज़ होने के लिए कि वो निज़ाम की अतायत की जाएगी जो खुदा के कवानीन के मुताबिक रसूल ने कायम किया था। अब अगली बात आ गई कि वो तो रसूल तक बात थी, तो कुरान ने ये भी तो कहा है कि माँ मोहम्मद अल्ला रसूल कद खलत मिन कबल रसूल अफाइम माता कुतल कलब तुम अला आकाब गुम, कि रसूल बहरहाल इसकी एक तभी ज़िंदगी है, कल को अगर ये मर जाए, कल को कत्ल कर दिया जाए, तो तुम ये समझोगे कि साहब वो निज़ाम तो इसकी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता था, ये नहीं रहा, निज़ाम भी ख़त्म हो गया। कहा जो कोई ये करेगा और फिर लौट जाएगा अपनी पहली ज़िंदगी के ऊपर कि जहाँ निज़ाम नहीं होता था, इनफरादी ज़िंदगी होती थी, तो खुदा का तो कुछ नहीं जाएगा, तुम तबाह हो जाओ। ये कुरान में मौजूद, तो ये नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़िंदगी के बाद, अगर रसूल की वफ़ात के बाद, तो फिर तो कुरान ये रह ही नहीं सकता निज़ाम। अगर अतायत इसकी है खुद अल्लाह की और रसूल की जैसा ये कहते हैं, तो रसूल की वफ़ात के बाद तो फिर ये दूसरा सुतून ही अतायत का ख़त्म हो जाता है। और अगर यूं अतायत सामने करनी है तो वो दोनों ही ख़त्म हो गए। अल्लाह मियाँ अर्श पे बैठे रहे, सामने आते ही नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए थे, यही दो हिसाब, सो यूं पाक हो गए। अज़ीज़ान मान, ये बात नहीं है। जब वो निज़ाम नहीं रहा है ना, तो फिर इन साजिशों ने दीन को मज़हब से बदला, निज़ाम का तसव्वुर किया, फिर क्या किया, कहने लगे ये अल्लाह की अतायत जो है तो वो तो हो गई कुरान शरीफ की रूह से, रसूल की अतायत जो है वो बुखारी शरीफ की जो हदीसें हैं उनकी रूह से। अब फिर रसूल की अतायत लगे ना करने, हनफी अपने तो पहले अहले हदीस, वो अपने तौर पे रसूल की अतायत है ये सब जो कर रहे हैं, वो अपने तौर पे, हनफी अपने तौर पे, शाफी अपने तौर पे, मालकी अपने तौर पे, हम्बली अपने तौर पे, ये तो चार हमारे यहाँ आ गए हैं, वरना तो पता नहीं 70-72 थे। हर एक का दावा ये था कि हम रसूल की अतायत करते हैं। उनसे कहा कि भाई अल्लाह का भी तो इसमें लिखा हुआ है कुछ, इसे भी ले आओ। वो कहने लगे कि वो जो रसूल की अतायत है ना, उस अल्लाह की अतायत तो उसी में आ जाती है। यानी अतायत रह गई इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के क़यास की रूह से जमा की हुई चंद रवायतें,
उस रवायत में अल्लाह की इताअत भी आ गई, उसमें रसूल की इताअत भी आ गई, और उसकी रूह से जो आकाम मुस्तंबत किए कुछ कवानीन उस ज़माने के जूरिस्ट ने, उस ज़माने के कानून जानने वाले लोगों ने, आम इंसानों ने जो आम कहे गए, हम ना वो खुदा के रसूल तो नहीं थे। अब अतायत सिमट सिमटा के अल्लाह और रसूल की अतायत इन फ़िकही कवानीन के अंदर रह गई जो उन्होंने मुदवन किए। इतना अरसा वो बहरहाल वो तो यूँ गुम थे, अब दोबारा ज़िंदा हो रहे हैं, जिसकी रूह से मैंने ये अर्ज़ किया था ना कि अभी वो आ रहे हैं, वो किसास के और दियत के आकाम। अभी तो पहले तो ये हदूद ही आए थे ना कि जो ठप हो के रह गए, इनके मुतल्लक कहा कि ये काबिल अमल ही नहीं है। ख़ुद सदर ममलकत ने भी ये कहा कि काबिल अमल नहीं है, और उसके बाद जो आएंगे वो आप देखिएगा। ये कत्ल के जुर्म के, वो इसको कहते हैं किसास और दियत के, कत्ल के जुर्म के जो कवानीन आ रहे हैं, सौदा उन्होंने आम कर दिया है, पब्लिक कर दिया है, यानी एक ही चीज़ कत्ल का जुर्म है, कातिल मौजूद है। शर्त यह है कि दो मुसलमान मुत्तकी परहेजगार दीनदार तज़किया शुशूद वाला दो और मुसलमान वो उसका के शाहिद हों, यानी वो कत्ल करने वाला जो है या मकतूल जो है वो पहले कहे ज़रा ठहर जाओ, दो मुसलमान मुत्तकी परहेजगार तज़किया तो शूद वाले वो आ जाए पहले, वो दो। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि इनका नतीजा क्या निकलता है आपके यहाँ, कितने कत्ल होने शुरू हो जाते हैं। दो मुसलमान गांव में आमतौर पे वो कत्ल होते हैं, वहाँ वो कत्ल हुए, ये हमारे यहाँ के ये मुसल्ली और ये मसीह ये ईसाई वगैरह ये काम काज करने वाले वहाँ लोग होते हैं, या और नॉन मुस्लिम दस भी अगर क्यों ना हो, हाँ पाँच चार मिनट रह गए, इतने भी क्यों ना हो, अगर दस बीस भी अगर ये कोई ना हो और शहादत मुत्तफिक ला देंगे, शहादत नहीं मानी जा सकती, दो मुसलमान होने चाहिए। बीवी के सामने उसके कत्ल कर दिया है खामंद को, वो शहादत है, औरत की शहादत नहीं ली जाएगी, शहादत ही नहीं ली जाएगी। ये भी गया, अगर ये किसी तरह से नॉमन तेल हो भी जाए राधा के नचाने के लिए, साबित भी हो जाए, तो कत्ले अहमद के बाद ये जो मकतूल था उसके जो वारिस हैं वो कातिल से पैसे लेके सुलह कर सकते हैं और माफ़ हो जाता है वो जुर्म। ये वारिस कौन होते हैं? सारी उम्र ने ये जड़े शरीके ने ना, जिन्होंने इनके साथ मुकदमेबाजियाँ शुरू कर रखी, उन्होंने तो कत्ल करवाया था, तो कितना आसान हो गया, कत्ल करा दीजिए, उसको तो दीजिए 1000 रुपया और ख़ुद हो जाए फिर वारिस, और ये वारिस उसके साथ मामला करे 10000 रुपये पे। अपना दुश्मन जो है वो कांटा भी निकल गया, 9000 रुपया फ़ायदे में भी रह गए, शरीयत हक्का के मुतालिक इंसाफ हो गया। आ रहे हैं कवानीन, और फिर ये जो दियत जिसे कहते हैं ना, यानी ये कत्ले अमद में है, कत्ले खता नहीं कि भूले से किसी को कुछ मार दिया, इरादतन कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं, उसमें ये जो उसके हाँ के शरीके हैं वारिस, ये उससे सुलह कर सकते हैं, पैसे लेके भी वैसे ही माफ़ कर सकते हैं। यूं गया, पैसे अगर लेने हैं दियत जिसको मुकर्रर की है अदालत ने ही के साथ इसके 10000 रुपये, औरत को अगर कत्ल कर दिया जाता है तो मर्द से आधी कीमत है इसकी जान की, इसकी ज़िंदगी की, शरीयत हक्का की रूह से में लिखा है आधी है इसकी। ओ मेरे भाई के लिए जा शक हो जाता मेरा अजीज़ा ने मन, पूछो नहीं मैं किस जीक से गुज़र रहा हूँ ज़िंदगी के इस आखिरी दिनों के अंदर। वो कवानीन हम सारी उम्र पढ़ता रहा, ये कुछ होता रहा, समझता रहा कि माजी की एक तारीख़ है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने ये कानून बना दिए थे, वो हो गए, चलो किस्सा ख़त्म हुआ, कोई बात तो नहीं,
अपनी ज़िंदगी में इनको इस्लामी कवानीन की हैसियत से यहाँ नाफ़िज़ होते देख।